न्यूट्रिशन के दो मोड कंप्लीट कर लिए हैं, ऑटोट्रोफिक मोड एंड एटरोट्रोफिक मोड। इनके अलावा भी कुछ मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, कुछ अलग मेथड्स होते हैं, तो इसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा जो दूसरे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं, दे आर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रह के या उनके अंदर रह के। बेसिकली पैरासाइट दे आर ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी प्लांट और एनिमल विच लिव्स इनसाइड और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, विच कैन बी प्लांट और विच कैन बी एनिमल, दैट प्लांट और एनिमल ऑन विच दैट पैरासाइट लिव, दैट इज कॉल्ड होस्ट एंड ऑब्टेन इट्स फूड, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एनिमल जो होता है जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट, वो खुद फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता, वो फूड ऑब्टेन करने के लिए क्या करता है, या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है या उसकी बॉडी के ऊपर रहता है, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, और इस मोड को हम बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है दया जिसको हम बोलते हैं अमरबे, दैट इज ए प्लांट पैरासाइट एंड दीज आर एनिमल पैरासाइट विच आर बैड बर्ड्स, लीचेस, मॉस्किटोज। मॉस्किटोज हमें पता है मच्छर क्या करता है, हमें जब बाइट करता है तो वो ब्लड सक करता है, तो वो फूड अपना कहाँ से लेता है, हमारी बॉडी से या दूसरे एनिमल्स की बॉडी का ब्लड सक करके अपना फूड ऑब्टेन करता है, दीज आर कॉल्ड पैरासाइट। कस्टूटा जिसको हम बोलते हैं अमरबे, दैट इज येलो कलर प्लांट विच कैन नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ सिंथेसाइजिंग इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, सो इट ऑब्टेन्स इट्स फूड बाय लिविंग ऑन अदर प्लांट्स, इसको हम बोलते हैं अमरबे। ठीक है, दिस इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, गले सड़े जानवरों की बॉडी के ऊपर, गले सड़े प्लांट्स की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड बाय डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी बॉडी से जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना फूड ऑब्टेन करेगा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। तो इसके एग्जाम्पल में मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, दीज आर सैप्रोफाइट्स। तो देखा होगा घर में भी जो ब्रेड होती है वो यदि 3-4 दिन तक रखी रहती है, यदि हम उसको ना खाएं तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाते हैं, डेट इज ए सैप्रोफाइट। ठीक है, तो फंगस जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फंगस हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, कुछ बेनिफिशियल फंगस भी होती हैं, जैसे पेनिसिलियम है, डेट इज बेनिफिशियल फॉर अस, इट गिव्स अस ए एंटीबायोटिक विच इज कॉल्ड पेनिसिलिन। तो कुछ फंगस हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, लेकिन ज़्यादातर फंगस क्या होती हैं, हार्मफुल होते हैं। मशरूम है जैसे, इसको हम खाते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल। दीज आर ऑल सैप्रोफाइट्स विच ऑब्टेन इट्स फूड बाय डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कैसे ऑब्टेन करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड, ये कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, इनकी बॉडी कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं उनको, तो वो डाल देते हैं ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, तो इससे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक जो मैटर है वो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उस लिक्विड को ये क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा दो दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हैं हमारे पास, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर जो रहता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। जैसे शरीर हमारी बॉडी के अंदर हेयर्स के अंदर क्या हो जाते हैं, जुएं हो जाते हैं, तो जुएं जो है वो क्या है, पैरासाइट है, वो हमारी बॉडी से ब्लड सक करती हैं और अपना फूड ऑब्टेन करती हैं, तो यहाँ पैरासाइट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड बाय डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। थैंक यू।